हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे को न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्रिएटर स्टूडियो जब बंद हो गया था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से अपनी रील्स पोस्ट और वीडियो को अपलोड कर सकते हो। जो वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो उसी को आप फेसबुक पेज पर अपलोड करते हो तो किस तरह से अपलोड करोगे। वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था मेटा बिजनेस सूट के बारे में कि आप उसके थ्रू अपनी रील्स को अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको मैंने एक सेटिंग और बताई थी कि आप उसको ओपन करके जब अपनी रील्स को अपलोड करोगे, वीडियो को अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो कुछ अच्छी खासी अपलोड होगी। लेकिन दोस्तों आपको उसको ओपन नहीं करना है, इनेबल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो मैं दिखाने वाला हूँ आपकी रील्स कुछ इस तरह से अपलोड होगी। पहले मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, जब मैंने उसको यूज किया, उसको बंद करके देखा तो उस बंद करने के बाद रील्स अच्छी खासी पोस्ट, अच्छी खासी वीडियो, अच्छी खासी अपलोड हो रही है। तो चलो मैं आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि आप उस सेटिंग को ओपन करोगे कि नहीं मिलोगे, सेटिंग कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में वो वीडियो में दे दूंगा। उस वीडियो में दोस्तों मैं बताया था कि किस तरह से अपलोड कर सकते हो। हालांकि आप उसी तरीके से अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो अच्छी खासी लगेगी, लेकिन आप उस सेटिंग को ओपन नहीं करना, बाकी उस वीडियो का सब कुछ यूज कर सकते हो, वीडियो काफ़ी अच्छी है। तो अभी देख सकते हो मैं अपने फेसबुक पेज पे हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो रील्स वीडियो अपलोड की थी वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसको ओपन करूँगा, अपने लोगों पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा पेज है। इसको आप फॉलो कर सकते हो जाकर, नहीं है टेक्निकल तरुण के नाम से ही पेज है और टेक्निकल तरुण के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो मैंने अपलोड की थी बाद में, जो कि कुछ इस तरह से अभी आपको देखने को मिल रही होगी। ये दोस्तों मैंने उस सेटिंग को बंद करके रखा था, उस सेटिंग को ओपन नहीं किया था। तो इसी वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि फेसबुक स्टूडियो बंद हो गया है, अब आप वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसी वीडियो में बताया गया था कि आप उस सेटिंग को ओपन नहीं करें तो अच्छा हुआ, क्योंकि दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी कुछ इस तरह से अपलोड होगी, उसका थंबनेल भी बड़ा हो जाएगा। कुछ उस सेटिंग को बंद करके रखोगे तो थंबनेल इस तरह से दिखेगा, उस सेटिंग को ओपन करके रखोगे तो थंबनेल कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस थंबनेल को आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, और वीडियो का साइज भी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, इस तरह का इस फॉर्मेट दिखेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, मैं सेटिंग बताने वाला हूँ आपको ऑफ कहाँ से करनी है, वो भी अपलोड करके बताऊँगा दोबारा कि वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो आप उस सेटिंग को ओपन ना करें, वरना आपका थंबनेल यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे का थंबनेल किस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला थंबनेल, तो कुछ इस तरह से थंबनेल दिखेगा। आप उस सेटिंग को ओपन करके रखोगे तो आपको जो थंबनेल होगा कुछ इस तरह से दिखेगा और वीडियो भी कुछ इस तरह से ही अपलोड होगी, जो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इस तरह से आपको उसको नहीं ओपन करना है। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको बंद कहाँ से करना है। उसको आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, वरना आपकी उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपकी रील्स कुछ इस तरह से, वीडियो इस तरह से अपलोड होगी। तो मैं चलता हूँ अपने क्रोम पर, वहीं पर आपको बताता हूँ। दोस्तों क्रोम से आप अपना फेसबुक पेज के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना फेसबुक यहाँ पर लॉगिन कर रखा है फेसबुक पेज। तो यहाँ पर मेटा बिजनेस के नाम से मैंने दोस्तों इसको ओपन कर रखा है, मेटा बिजनेस सूट के नाम से। दोस्तों आपको फेसबुक पेज लॉगिन करना पड़ता है तब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्रिएट पोस्ट का ओपन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पोस्ट पर, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी दोस्तों पोस्ट रील्स जो भी होगी यहाँ पर सब ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ऐड वीडियो पर क्लिक करता हूँ, ऐड फोटो, ऐड वीडियोस और यूज टेम्पलेट। तो वीडियो में वहाँ पर लेनी है तो वीडियो को वहाँ पर ले लेता हूँ। तो आप वहाँ से वीडियो अपलोड कर लेनी है। अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेरी वीडियो 100% हो चुकी है। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके दोस्तों आपको वीडियो को टाइटल लिखना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन टाइटल हो उसी को आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिख जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और एक जो पंगा होता है कि आप थंबनेल किस तरह से अपलोड कर सकते हो अपनी फेसबुक वीडियो पर। तो थंबनेल के लिए आपको वो देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको थंबनेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे थंबनेल मिल जाते हैं, जो आपकी वीडियो की लेंथ होती है उसी के थंबनेल बना सकते हो। ना आपको देखने को मिल रहा होगा थंबनेल, आपको करना के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड इमेज का एक और ऑप्शन वहाँ पर ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, जो कि मैं पहली वीडियो में बता सकूँ। यहाँ से आपको थंबनेल ले लेना और डन पर क्लिक कर देना तो आपको यहाँ पर जो थंबनेल है वो आ जाएगा। उसके बाद उस टॉप को देखने को मिल रहा होगा ऊपर की वीडियो, यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करना, जो अब मैंने लेंथ बताई थी कि आपको वहाँ पर छेड़खानी करनी है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है ऐसे ही रहने दीजिए। आपको करना क्या, यहाँ से नेक्स्ट पे
क्लिक कर देना है दोस्तों। कुछ भी सेड़खानी यहाँ पे नहीं करनी है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको वीडियो हुआ ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ ओपन ओपन मत कीजिए, सीधा यहाँ से बैक करना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर का, शेड्यूल का और सेव ड्राइव का। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर करना क्या, आपकी वीडियो यहाँ पर चेक होगी, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपकी वीडियो चेक होगी कि आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट पेस्ट तो नहीं है। जैसे यहाँ पर चेकिंग है, चल चुकी है। यहाँ पर ये रेड टिक आता है तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट है, रेड टिक नहीं आता है, ग्रीन टिक आ जाता है तो आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, आपकी वीडियो पूरी सेफ है। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, शेयर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर चाहो तो शेड्यूल भी लगा सकते हो या डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हो। आपकी वीडियो पर रिसेंटली शेयर हो जाएगी, आपके फेसबुक पेज पर काफ़ी अच्छी तरह से अपलोड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।